यूपी के अमेठी में मुहर्रम जुलूस के दौरान लगे विवादित नारे। नारे लगाते हुए मुस्लिम युवाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन, 7 लोगों को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में मुहर्रम जुलूस के दौरान कुछ विवादित नारे लगाए गए हैं जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मुस्लिम युवक कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो यह हुसैन कहना पड़ेगा, जिसके बाद इस वायरल वीडियो पर पुलिस ने एक्शन ले लिया है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के कस्बे इलाके का है, जहां से रविवार देर शाम को मुहर्रम जुलूस के दौरान कुछ युवकों ने विवादित नारे लगाए हैं। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि युवक हिंदुस्तान में रहना है तो यह हुसैन कहना पड़ेगा के नारे लगा रहे हैं। अमेठी पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मामला दर्ज कर 7 युवकों को हिरासत में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। कान्हा मुसाफिरखाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है। वीडियो में दिख रहे लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है, साथ ही उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। वीडियो की भी जाँच कराई जा रही है, जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। अमेठी की इस घटना के बाद यूपी सरकार भी सख्त हो गई है। सीएम योगी ने इस घटना के बाद आज कहा कि त्योहार मनाने हैं तो नियमों के अंतर्गत मनाइए, वरना घर बैठ जाइए। न्यूज रिपोर्ट india.com।